हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो मैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो मैच खेला जा रहा है उसके रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको अपनी टीम भी दूंगा और इस मैच से रिलेटेड बेसिक न्यूज़ भी दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर पिच की बात करें तो ये पिच वैसे बैटिंग पिच है। पहले दिन नॉर्मल बॉल स्विंग होगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन को खिलाएं और ऑलराउंडर को खिलाएं, और कम से कम बॉलर को खिलाएं। अब कम से कम बॉलर अपनी टीम में लें। तो हम लोग जहाँ न्यूज़ बेसिक न्यूज़ की बात करते हैं तो फिर इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप अभी स्ट्रगल्स कर रही है। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम इंग्लैंड के प्लेयर लें। और उसके बाद अभी पाकिस्तान के लिए एक बैड न्यूज़ है, वहाँ यासिर शाह इंजर्ड है तो वो मैच नहीं खेलेंगे। हसन अली का भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो खेलेंगे या नहीं। और उसके बाद आपकी पाकिस्तान की जो पूरी टीम थी वो पूरी सेम सेम रहेगी, और इमरान हक इसके खेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास और शाकिब खान जो होते हैं वो मेन बॉलर होंगे पाकिस्तान की तरफ से। और फिर जहाँ तक इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड में जो रूट जो अभी बहुत अच्छे फॉर्म में है, जो रूट और बैरिस्टो, इन्हीं दोनों पे पूरी बैटिंग लाइनअप ठीक ही रहेगी। जॉर्ज बटलर जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, मार्क वुड और क्रिस वोक्स, इन दोनों में से कोई एक ही खेल सकते हैं। तो फिर मेरी एडवाइस है कि आप ना इन दोनों में से किसी को ना लें, तक क्योंकि ये आपके लिए रिस्क हो जाएगा। स्टुअर्ट बॉर्ड और जेम्स एंडरसन को टीम में ज़रूर पिक करें क्योंकि ये लोग अभी फॉर्म में बहुत अच्छे हैं। और डैन मार्टिन को ज़रूर लें क्योंकि वो दो सीरीज से बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद विकेट कीपिंग के लिए मेरे हिसाब से आपको बेस्ट जॉनी ब्रेस्टो होंगे। और उसके बाद आपने पिच की कंडीशन देख ली, ये आप प्रोबेबल 11 यहाँ पे देख सकते हैं। अली, हक, सोहेल, बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, अहमद खान, ये सब को। और फिर इंग्लैंड की तरफ से अलिस्टर कुक, जो रूट, ये सब हैं इम्पोर्टेंट प्लेयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टीम से कौन से इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान की तरफ से इम्पोर्टेंट प्लेयर कौन से हैं, इंग्लैंड की तरफ से कौन से हैं। और अपने हिसाब से आप कैप्टन वाइस कैप्टन चुन सकते हैं, जैसे कुक को, रूट को, मार्टिन को, मलान को, स्टोक्स को, बेस्टो को, अजहर अली, इन सबको आप कैप्टन के रूप में प्रेफर कर सकते हैं। मेरी एडवाइस है कि आप एक बार पूरी न्यूज़ को, वीडियो को पॉज कर करके पूरी न्यूज़ अच्छे से पढ़ें और लास्ट में फिर मेरी टीम देखें। और मैं आपको अपनी टीम भी दिखा रहा हूँ कि मेरी टीम मैंने क्या बनाई है। तो ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, ये मेरी टीम है। तो फिर मैं चाहूँगा कि आप अपनी टीम खुद से बनाएं, सारी न्यूज़ पढ़ें अच्छे से और फिर अपनी टीम बनाएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हेड टू हेड लीग में ही ज़्यादातर लगाएं पैसे। अगर आपके पास कैश बोनस पड़े हैं तो उसको आप फिर हायर लीग में लगा सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो कैश आप अपना जो मेन मेन बैलेंस है उसको आप हेड टू हेड लीग में ही लगाएं, क्योंकि हेड टू हेड लीग में लगाने से आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, क्योंकि अभी कुछ देर में मैं आपको फुटबॉल और बास्केटबॉल और अदर जो मैचेस आ रहे हैं उनकी अपडेट भी दूंगा। और फिर थैंक यू।